हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल होने वाला है क्योंकि लॉक वेरिएबल्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले कि लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म होता क्या है। इससे ठीक पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो कृपया करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने बिजी वेटिंग क्या होता है एंड नॉन बिजी वेटिंग क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन किया था अंडर द टाइटल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। आप जो ये आज टेक्निक देखने जा रहे हो, ये मैकेनिज्म देखने जा रहे हो, ये एक्चुअली बिजी वेटिंग के ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन बिजी वेटिंग सॉल्यूशन, समझ में आया? तो ये बिजी वेटिंग के ऊपर बेस्ड है और लॉक वेरिएबल्स बट सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म्स, उनका हार्डवेयर से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं। दे आर सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म्स एंड दे आर इंप्लीमेंटेड इन यूजर मोड। दे आर इंप्लीमेंटेड इन यूजर मोड, ऑपरेटिंग सिस्टम मोड से कोई हेल्प नहीं ली है उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ यूजर मोड में इंप्लीमेंट होते हैं वो। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा रिलेटेड विद लॉक वेरिएबल इज दैट मोर देन टू प्रोसेस, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर्स अगर आपके क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करती है उस वक्त आप लॉक वेरिएबल यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपके कंसिडरेशन में दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर्स आती हैं तो उनके साथ डील करने के लिए आप लॉक वेरिएबल ये मैकेनिज्म जो है इसे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म कहता क्या है कि आपका जब क्रिटिकल सेक्शन है, ऑब्वियसली What do you mean by critical section? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। Race condition क्या होता है, critical section क्या होता है, वो तो मैं बता चुका हूँ। जब भी हम लोग synchronization related, process synchronization related mechanisms के साथ deal करते हैं तो हम लोग सिर्फ interested होते हैं आपके program के उस code पे जो कि critical section कहलाता है, जिसे हम लोग critical section बोलते हैं। Non critical section पे हम लोगों को इतना interest नहीं होता। Critical sections are very important because these are nothing but the shared resources जहाँ पे inconsistency आ सकती है because एक से ज्यादा processes उसे access करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द क्रिटिकल सेक्शन, बराबर। अभी होगा क्या, ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इसको एंटर करने के लिए हमने एक एंट्री सेक्शन लगा दिया है और एग्जिट करने के लिए एक एग्जिट सेक्शन लगा दिया है, बराबर है कि नहीं? मतलब इस क्रिटिकल सेक्शन के अगर अंदर एंटर करना है तो जो भी कोड एंट्री सेक्शन में लिखा हुआ है उसे आपको सबसे पहले सेटिस्फाई करना है। एक बार वो सेटिस्फाई हो गया उसके बाद ही कोई एक प्रोसेस आपकी CS में जा सकता है, that is critical section में जा सकता है। और एक बार critical section का execution हो गया फिर वो exit section को जो उसका code है वो execute करके अपना जो remaining non-critical section का code है उसे execute कर सकता है। तो basically lock variable में होता क्या है, ये तो आपका flow बताया मैंने कि ये execute कैसे होता है। अभी इसके अंदर भी details में जाते हैं कि lock variable मतलब क्या है। Simply एक variable होगा जो lock, okay? अभी lock is equal to zero आपका initially set होता है। Lock is equal to zero आपका initially set होता है। Lock is equal to zero मतलब क्या कि critical section vacant है, critical section के अंदर कोई भी नहीं है। वो process जैसे ही आता है lock variable को zero देखता है वो सीधा अंदर उसके आ सकता है और critical section को execute कर सकता है। अगर lock is equal to मेरा one है तो lock is equal to one का मतलब ये होता है कि भाई रुक जाओ एंट्री सेक्शन में ही रुक जाओ, क्रिटिकल सेक्शन में मत जाओ क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में कोई एक प्रोसेस पहले से ही एग्जीक्यूट कर रहा है, मौजूद है, आप अंदर नहीं जा सकते। ये होता है मतलब लॉक इज इक्वल टू वन का। तो अभी इसके कोड को समझते हैं, एंट्री सेक्शन के कोड को, और इसको विद एन एग्जाम्पल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरा पी वन आया, बराबर, P1 मेरा आया, और P1 ने क्या देखा, वाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, लॉक नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब लॉक इज इक्वल टू वन, बराबर, लॉक इज इक्वल टू वन। तो फिर मेरा ये P1 क्या करता है, यहां पे आता है और वो देखता है क्योंकि अभी इस P1 को इस क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो वो ये कंडीशन देखता है कि भैया लॉक क्या मेरा इक्वल टू वन है, नहीं है, लॉक इनिशियली जीरो है मेरा। तो लॉक अगर इनिशियली जीरो है तो ये वाइल की कंडीशन फॉल्स है, तो अगर वाइल की कंडीशन फॉल है तो मैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करूंगा ऑफ एंट्री सेक्शन और लॉक वेरिएबल को वन कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, जीरो से इस लॉक वेरिएबल को वन कर दिया। क्यों? बिकॉज जब ये लॉक वेरिएबल को वन करता है उसकी इमीडिएट नेक्स्ट मूव जो होती है उस प्रोसेस P1 की इज टू गो इनटू क्रिटिकल सेक्शन, इज टू गो इनटू क्रिटिकल सेक्शन। और एक बार वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया तो वो सिर्फ ये बताना चाहता है बाकी प्रोसेसेस को कि जो बाद में आने वाली है, जैसे कि P2 होगी, P3 होगा, P4 होगा, जो बाद में आने वाले हैं वो यहाँ पे इस लूप में अटक जाए, वो बिजी वेट करते रहे, इसीलिए उसने लॉक की वैल्यू वन की है, समझ में आया? अब वो लॉक की वैल्यू वन का इंपॉर्टेंस क्या है वो आगे आपको पता चलेगा। तो उसने क्या किया, लॉक की वैल्यू वन कर दिया और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। अब कहानी शुरू होती है कि P2 को भी जरूरत है अभी, अब P2 को भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, उसे भी एग्जीक्यूट करना है। तो वो क्या करता है, ऑब्वियसली एंट्री सेक्शन सबके लिए खुला है, वो आता है और वाइल लॉक नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन देखता है, मतलब क्या मेरा लॉक इक्वल टू वन है, ये वो चेक करता है। कौन, P2, ऑब्वियसली मेरा लॉक इक्वल टू वन है क्योंकि अंदर जाने से पहले जो मेरा P1 था, क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले जो मेरा P1 था उसने लॉक इक्वल टू वन कर दिया था। तो अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई वाइल की, बराबर ना, बिकॉज लॉक इक्वल टू वन। तो आप सेमीकोलन देख पा रहे हो,
वाइल लूप जो है फिर वो रिपीट होता रहेगा, जब तक वो कंडीशन मेरी ट्रू है तब तक उसी में चलता रहेगा, वो उसी में चलता रहेगा जब तक ये ट्रू है, बराबर लॉक इक्वल टू वन है, बराबर लॉक इक्वल टू वन है, इसका मतलब अंदर क्रिटिकल सेक्शन में कोई तो बंदा है, कोई तो प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो लूप में चलता रहेगा, वेट करता रहेगा, वेट करता रहेगा इन द एंट्री सेक्शन, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एंट्री सेक्शन वो प्रोसेस पी टू वहीं पे वेट करता रहेगा। ओके, अभी मान लो यहाँ पे वेटिंग चल रहा है, बार बार जाके चेक कर रहा है, मतलब एक तरीके से वेट करना मतलब क्या कि पी टू पहले चेक करता है कि लॉक इक्वल टू वन है, हाँ है, फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर से चेक करता है कि लॉक इक्वल टू वन है, रुकता है, फिर से चेक करता है, मतलब कंटिन्यूअसली वो चेक किए जा रहा है। ओके, तो इसे हम लोग बिजी वेटिंग कहेंगे, बिजी वेटिंग इंप्लीमेंटेशन कहेंगे। ओके, तो अभी पी टू इज वेटिंग, पी टू वाइल लूप में अटक चुका है। अभी क्या होता है कि मेरा जो पी वन मेरा कंट्रोल क्रिटिकल सेक्शन में था उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, वो अभी डायरेक्टली एग्जिट सेक्शन में आता है, सो कंट्रोल क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट सेक्शन में आता है और एग्जिट सेक्शन में ये जो कोड है इसे एग्जीक्यूट करता है, लॉक इज इक्वल टू जीरो, तो जो पहले लॉक इक्वल टू वन था उसका हो जाता है लॉक इज इक्वल टू जीरो, सिंपल सी बात, लॉक इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। अब आती मुद्दे की बात कि जैसे ही लॉक इज इक्वल टू जीरो अपडेट हो जाता है ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये लूप से बाहर निकलता है और आपका पी टू वापस से लॉक को वन कर देता है, क्योंकि आपका पी टू वाइल में अटक गया था ना, लूप में अटक गया था, क्योंकि जब तक मेरा लॉक वेरिएबल वन है तब तक जो वाइल लूप है आपको आगे जाने ही नहीं देगा, इट विल नॉट अलाउ यू टू गो, तो इसलिए क्या होता है What is happening? वो सीधा जो मेरा P2 है वो उस कंडीशन को तोड़ के यहाँ पे आ जाता है, लॉक को वन सेट करता है और वापस से वही प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो ये मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया कि लॉक वेरिएबल का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रोवाइड नहीं करता, गारंटी नहीं करता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक बंदा होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कि भैया क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज्यादा प्रोसेसेस अंदर चली जाए, कैसे हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। सी, ये मैंने कोड को लाइन दे दिया है, ओके, ये फर्स्ट लाइन जो है वो वाइल की है, दूसरी लॉक वन की है, तीसरी लॉक जीरो की। अभी होता क्या है, ये दो प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन को असाइन मतलब अंदर एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, ये जो मेरा पी वन है, बराबर, तो P1 क्या करता है, इनिशियली जो है लॉक की वैल्यू जीरो है, ठीक है, इनिशियली लॉक की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब मेरा जो P1 है ये एंट्री सेक्शन में आता है और अभी ये देखता है कि वाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, बराबर, मतलब लॉक इज नॉट इक्वल टू वन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बराबर, तो मतलब उसने फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया। ओके, ये मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, जो प्रॉब्लम आता है इन द लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म, ये प्रॉब्लम अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जब मेरा जो P1 है, दैट इज द प्रोसेस वन, जो कि क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, वो उस क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले एंट्री सेक्शन आता है ऐसा, उसमें वो क्या करता है, लाइन नंबर वन एग्जीक्यूट करता है, उसको पता चलता है कि भैया ये कंडीशन तो फॉल्स है, वाइल इज नॉट इक्वल टू, एक्चुअली वाइल जो है इट इज बेसिकली इक्वल टू जीरो, It's not equal to one, it is equal to zero. तो उसको पता चल गया कि भैया मतलब अभी इसके मेमोरी में है, P1 के मेमोरी में है, by executing the first step or first line of code in the entry section, कि भैया critical section के अंदर कोई नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई नहीं है, ठीक है, तो उसने चेक कर लिया कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे वो प्रीएम्प्ट हो जाता है, क्या होता है, प्रीएम्प्ट हो जाता है, मतलब उसे फोर्सफुली स्टॉप किया जाता है बाय द शेड्यूलर, उसको फोर्सफुली स्टॉप किया जाता है और दूसरा प्रोसेस आता है इनटू एक्शन पी टू, फिर उसके एक्शन आता है पी टू, मतलब पी वन का एग्जीक्यूशन सिर्फ लाइन नंबर वन तक ही हुआ है, उसको पी वन को सिर्फ इतना ही पता है कि भाई लॉक की जो वैल्यू है वो जीरो है, बस इतना उसको पता है बस, और उसके बाद वो प्रीएम्प्ट हो गया, उसके बाद उसे स्टॉप कर दिया गया है। फिर आता है P2 आपके एक्शन में, जब मेरा P2 एक्शन में आता है तो वो शुरुआत से शुरू करता है, वो क्या करता है, मेरा लॉक क्या है, इक्वल टू जीरो है, तो उसको भी पता चल जाता है कि भैया लॉक इक्वल टू जीरो है, कब, जब वो अपनी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करता है, वाइल एग्जीक्यूट करता है, तो जैसे ही आपका लॉक की वैल्यू जीरो है वो अंदर एंटर करेगा मतलब लॉक की वैल्यू वन करेगा, उसके बाद जब वो सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करता है तब आपकी लॉक की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है, करेक्ट और नॉट, फर्स्ट वैल्यू सही है जीरो है, दूसरे में वो आ गया, जैसे जीरो है, जैसे उसको पता चला क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, वो लॉक को वन कर देता है ताकि जब वो हो क्रिटिकल सेक्शन में तब कोई और क्रिटिकल सेक्शन में ना आ पाए, तो उसने लॉक की वैल्यू वन कर दी और वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करने के लिए चला गया। अभी पी टू मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है, अभी होता क्या है, ये वापस एक्शन में आ जाता है,
मतलब जब P1 को मैंने प्रीएम्प्ट किया था अभी वापस आ गया एक्शन में, बराबर। तो P1 इज नाउ इन अगेन एक्शन, बराबर। P1 अगेन एक्शन में आ गया, अभी वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। अभी सी उसने लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट किया था, वो उसे वापस से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। P1 ने लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट किया था, अब वो वापस से उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसको पता है लॉक इज इक्वल टू 0 है, लॉक इज इक्वल टू 0, लेकिन जो P2 था उसने इसको 0 को 1 कर दिया था, 0 को 1 कर दिया था, क्योंकि अभी P2 मेरा क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका था और उसने सेकंड स्टेप में सेकंड लाइन में लॉक को इज इक्वल टू 1 कर दिया था, जो कि P1 ने नहीं देखा, जो कि P1 ने नहीं देखा। क्यों? Because P1 की लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है बिफोर द प्रीएम्प्शन और उसको पता था लॉक इज इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए वो वापस से उस लाइन नंबर 1 को देखेगा भी नहीं। इट विल नॉट रीड, इट विल नॉट गिव अटेंशन टू लाइन नंबर 1। वो सीधा क्या करेगा, लाइन नंबर 1 हो चुका है ऐसा वो अज्यूम करेगा, जो कि हो चुका है, और वो सीधा 2 को एग्जीक्यूट करेगा। वो क्या करेगा, सीधा 2 को एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज लॉक को 1 कर देगा। तो वो लॉक को वापस से 1 कर देगा, लॉक को जो पहले ही 1 था उसको वापस से 1 कर देगा, और 1 करने के बाद वो क्या करेगा, वन करने के बाद वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। तो अभी अगर आप नोटिस करो, पहले ही मेरा जो P2 था वो क्रिटिकल सेक्शन में था, पहले ही मेरा P2 क्रिटिकल सेक्शन में था, और बिकॉज ऑफ दिस प्रीएम्प्शन, बिफोर प्रीएम्प्शन जो हुआ कि उसने चेक किया था कि भैया L is equal to 0 है, तो आफ्टर प्रीएम्प्शन मतलब जब वो आता है वापस एक्शन में, तब अगर आपने देखा तो उसने फर्स्ट स्टेप दैट इज व्हाइल लूप को चेक भी नहीं किया कि भाई ये जो अपडेट लॉक हुआ है वो हुआ भी है या नहीं, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ही इज अज्यूमिंग कि जो भैया लॉक 0 था वो अभी भी लॉक 0 ही होगा, और वो एंटर कर जाता है इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, ओके, और मेरा P1 भी इधर आ गया। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से उसकी बैंड बज गई है, बिकॉज़ P1 एंड P2 एट द सेम टाइम दे आर इन क्रिटिकल सेक्शन। इसीलिए फिर बाकी के जो पैरामीटर्स है उनकी बात करने भी यू नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि भाई वो क्या बोलते हैं, बाउंडेड वेटिंग देता है क्या, प्रोग्रेस देता है क्या, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है क्या, वो तो सोचने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपके सिंक्रोनाइजेशन का वो है कि भैया दोनों के दोनों मतलब एक ही प्रोसेस एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन में होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट, ओके। और वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे उसकी बैंड बच गई है, इट इज नॉट बीइंग गारंटीड। तो यहाँ पे लॉक वेरिएबल मैकेनिज्म में म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटीड हेयर। यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस आ सकती है कि एट अ टाइम आपके क्रिटिकल सेक्शन में 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस एंटर कर जाए। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूरा जो मैकेनिज्म मैंने बताया लॉक वेरिएबल का, उसके बाद जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू लॉक वेरिएबल मैंने बताया कि किस तरीके से एट अ टाइम एक क्रिटिकल सेक्शन में 2 प्रोसेस एंटर कर जा सकती है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रीएम्प्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी 1% भी मदद कर दी होगी तो उस मदद को आप प्रोपेगेट कर सकते हो बाय शेयरिंग माय वीडियोस। दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।